उजवरी વિદ્યાકુંજ અંગ્રેજી માધ્યમ શાળામાં આજ રોજ ખ્રિસ્તી સમુદાયના પવિત્ર તહેવારની કરવામાં આવી। શાળાના નાના ફૂલકાઓ સાન્તા ક્લોઝ મધર મેરી ફાધર પરી વગેરે બનીને આવ્યા હતા। આચાર્ય શ્રીમતી શીલાબેન વર્ગીસે બાળકોને ક્રિસમસ તહેવારની ઉજવણી શા માટે કરવામાં આવે છે તેની સમજૂતી તેમના વક્તવ્યમાં આપી હતી તથા જે રીતે જીજસ ગોડે જગતને શાંતિનો સંદેશો આપેલો હતો તથા કોઈની પણ સાથે લડાઈ ઝઘડા કરવા નહીં જોઈએ તેવી હાલત કરી હતી। શાળાના શિક્ષકો પ્રતિક્ષાબેને વિદ્યાર્થીઓને જણાવ્યું હતું કે જે રીતે સાન્તા ક્લોઝ શાંત હતા અને બીજાને મદદ કરતા હતા તે જ રીતે આપણે પણ બીજાને મદદ કરતા બનવું જોઈએ। જે રીતે ક્રિસમસ ટ્રી બરફ વર્ષા દરમિયાન પણ પોતાની ગ્રીનરી જકડી રાખે છે તે જ રીતે આપણે પણ પોતે જે નિર્ણય કર્યો હોય તેમાં કાયમી રહી પોતાની મંજિલ પામવી જોઈએ। વિદ્યાર્થીઓએ ડાન્સ અને ડ્રામા દ્વારા શાળાનું વાતાવરણ રમૂજી બનાવ્યું હતું। સાન્તા ક્લોઝ દરેક વિદ્યાર્થીઓને ચોકલેટ આપી હતી। શાળાના મેનેજિંગ ટ્રસ્ટી શ્રી જયંતિભાઈ પટેલ, સંકુલ નિયામક શ્રી મહેશભાઈ પટેલ તથા આચાર્ય શ્રીમતી શીલાબેન વર્ગીસે દરેક વિદ્યાર્થીને તેમજ શિક્ષકોને ક્રિસમસના તહેવારની શુભેચ્છા પાઠવી હતી। રિપોર્ટિંગ બાય ઉદય મેર, સુરત। Good morning, myself Pratiksha and I am from Vidyakunj English Medium School. Today we are celebrating, हम यहाँ Christmas celebration कर रहे हैं। आज हम लोगों ने नर्सरी से लेके 12th तक all students सब यहाँ participate किया। The main intention Christmas celebration का, आजकल बहुत सारे wrong videos viral हो रहे हैं to misguide। एक्चुअली बच्चों को रियल कंसेप्ट पता होना चाहिए कि हम लोग क्रिसमस क्यों सेलिब्रेट करते हैं। दैट इज़ द मेन इंटेंशन ऑफ आर सेलिब्रेशन। हर बच्चा रेड एंड वाइट के थीम में आया था। इवन टीचर्स आर सेलिब्रेटिंग। हम लोगों ने बहुत एंजॉय किया एंड बहुत ज़्यादा एंथुजियाज़म से वी सेलिब्रेटेड। यू कैन सी हम लोगों ने बच्चों से ही प्रोजेक्ट्स बनवाए हैं। एवरीथिंग वॉज देयर। मेन इंटेंशन क्रिसमस सेलिब्रेशन करने का क्या होता है? द टू मेन इंटेंशंस आर देयर। एक था सेंटा क्लॉज के बारे में अवेयर करना। सबको बस यही पता है कि सेंटा क्लॉज आता है और गिफ्ट देता है, बट एग्जैक्टली होता क्या है? हम लोगों ने बच्चों को अवेयर किया कि सेंटा दैट वॉज बिफोर 1751 ईयर्स। इतने सालों पुराने कंसेप्ट आज भी हम कैरी करें तो इसका मेन इंटेंशन क्या है? कंसेप्ट ऑफ जेनरोसिटी, दूसरों को हेल्प करो। सेंटा का मेन इंटेंशन यही था। वो दूसरों को गिफ्ट देता था। क्यों देता था? उसके पास बहुत ज़्यादा एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी थी, वही दूसरों को वो गिफ्ट करता था। वही कंसेप्ट आज भी करनी है। बच्चों को ये कहा जाता है कि आप स्टॉकिंग्स रखो और उसमें आपको गिफ्ट्स मिलेंगे। तो यहाँ आपके सेंटा कौन है? आपके पेरेंट्स, आपके ग्रैंड पेरेंट्स जो आपको हेल्प करते हैं। एंड सेकेंड मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग दैट इज़ क्रिसमस ट्री। आजकल बहुत गलत वायरल चीज़ें चल रही है कि क्रिसमस ट्री के जगह हमें तुलसी का प्लांट लगाना चाहिए। ऑब्वियसली वी आर हिंदू, वी डू रिस्पेक्ट दैट थिंग, बट द थिंग इज़ दैट ये यूरोपियन कंट्रीज़ का फेस्टिवल है तो वहाँ तो अभी बहुत ज़्यादा स्नोफॉल होता है और इतने ज़्यादा स्नोफॉल में तो तुलसी का प्लांट सर्वाइव करना मुश्किल है। ये प्लांट रखने का मेन रीज़न क्या है पता है? दिस इज़ द ओनली प्लांट कि जो ये इतने ज़्यादा स्नो में भी ग्रीन रहता है। दिस इज़ द होप कि इतने ज़्यादा स्नो में भी हम लोग फ्यूचर में फिर से ग्रीनरी देखेंगे। सो इट इज़ द कंडीशन फॉर होप। हम लोग फिर से सर्वाइव करेंगे, फिर से खुश होंगे। सो मेन टू इंटेंशन फॉर सेलिब्रेशन इज़ होप, हैप्पीनेस एंड जेनरोसिटी। सबको हेल्प करो। वी कांट बी गॉड बट वी कैन बी द फ्रेंड ऑफ गॉड बाय हेल्पिंग अदर्स। थैंक यू।